हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं दोस्तों सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डीवी केस से रिलेटेड एक जजमेंट लेकर के आया हूं। दोस्तों डीवी केस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कितना ज़्यादा मिसयूज होता है शायद आप लोग भी जानते होंगे। लड़की एक घर से दूसरे घर में आती है, ससुराल में आती है, अब वहां पे वो 10 दिन रहे, 2 दिन रहे या फिर कुछ महीने या कुछ साल रहे, लेकिन जब वो वहां से जाती है तो अमूमन देखा यह जाता है कि वहां से जाने के बाद वो डीवी एक्ट का मामला दर्ज कर देती है और इसमें हस्बैंड के साथ साथ उसके माता पिता और बाकी रिलेटिव्स के नाम भी इन्वॉल्व कर देती है कि उन्होंने उसको प्रताड़ना दी, मारा पीटा और उसको हैरेस किया। तो दोस्तों ऐसे केस में जो माता पिता हैं या बाकी लोग हैं परिवार के, वो अननेसेसरी सफर होते हैं और ऐसा जस्ट केवल इसलिए किया जाता है कि एक रिवेंज लेना है, बदला लेना है और सबका नाम डाल दिया जाता है। सही मामले बहुत कम होते हैं, अधिकतर मामलों में केवल सामने वाले को हैरेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो जजमेंट बताने वाला हूं, जो केस बताने वाला हूं, उस केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये माना कि भाई इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज होते हैं, इनमें जो फादर और मदर के नाम इन्वॉल्व होते हैं, इनको क्यों हटा दिया जाना चाहिए और अगर इनको हटवाना है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है। वो बेसिक कंडीशन यदि फॉलो नहीं होती है तो माँ बाप के नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत नहीं डाले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि इस जजमेंट को आप यूज करते हो तो फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज में माता पिता का नाम नहीं डाला जा सकेगा और उनका अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट, लीगल वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और इसके साथ साथ दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लें क्योंकि आने वाले समय में उस पर भी लीगल अपडेट्स हम लोग डेली पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों पूरा मामला ये था कि शादी हुई हस्बैंड वाइफ की और जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर ग्वालियर में आ गई, वहां पर कुछ दिन रही और उसके बाद जो उसका हस्बैंड था उसकी पोस्टिंग इंदौर में हो गई और कुछ ही समय के बाद उसकी पोस्टिंग फिर दिल्ली में हो गई, तो वो दिल्ली में जाकर रहने लगा और जो उसकी वाइफ थी वो भी उसी के साथ दिल्ली में आकर रहने लगी। अब दोस्तों कुछ समय के बाद उन दोनों की अनबन हुई, नहीं बनी है, जो कुछ भी मामला रहा होगा, वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। अब दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि सबका नाम इन्वॉल्व किया जाए, तो उसने यहाँ पर हस्बैंड के पेरेंट्स का नाम भी इन्वॉल्व कर दिया। अब चूंकि पेरेंट्स तो रहते थे बहुत दूर ग्वालियर और वो रहते थे दिल्ली, तो उसने कुछ ऐसा लिखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो समय समय पर जब वो इंदौर रह रहे थे तो इंदौर में भी आ जाते थे और जब दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली में भी आ जाते हैं और आने के बाद उसको हैरेस करते हैं, उससे दहेज की मांग करते हैं और उससे अभी रिसेंटली उन्होंने 22 लाख रुपए दहेज की मांग की है। तो इस तरह के एलिगेशन वाइफ ने पेरेंट्स पर लगा दिए दोस्तों। तो जब ये मामला हाई कोर्ट में आया तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बेसिक कंडीशन देखी। तो वो बेसिक कंडीशन दोस्तों ये है कि यदि आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी पर करते हैं तो आप दोनों पार्टी के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि वाइफ ग्वालियर में जाकर रही शादी के बाद और बिल्कुल जाते ही कुछ समय बाद ही वो इंदौर चली गई हस्बैंड के साथ, उसके बाद वो दिल्ली चली गई, यानी कि जो माता पिता का घर था उससे वो अलग हो गए, यानी जो शेयर होल्ड हाउस था माता पिता का, जॉइंट फैमिली थी, उससे अलग होकर वो अपने घर में रहने लगे। तो ऐसे केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा करने से उन दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि वाइफ के बीच में और हस्बैंड के पेरेंट्स के बीच में किसी भी तरह का डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं रहा, और यदि डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन ही यह है कि दोनों पार्टीज के बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो। लेकिन जब आप साथ रह ही नहीं रहे हैं तो वहां पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में नहीं है, तो ऐसे केस में माता पिता के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा नहीं किया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। तो हाईकोर्ट ने ये सब कहते हुए, सारी टिप्पणियां करते हुए माता पिता के अगेंस्ट डीवी के केस को क्वैश कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप इस जजमेंट का यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट और बहुत सिंपल जजमेंट भी है कि यदि हस्बैंड जो है अपने माता पिता से अलग किसी दूसरी जगह पर अपनी वाइफ के साथ रह रहा है तो वाइफ को डोमेस्टिक रिलेशनशिप ना होने के कारण माता पिता पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करने का राइट नहीं होगा। तो दोस्तों इस जजमेंट का यूज आप लोग भी कर सकते हो और यदि आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो माता पिता को इन्वॉल्व कर रही है तो बेहतर है कि आप अपनी वाइफ के साथ अलग जाके रहें यदि आपको लग रहा है कि कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर आपके माता पिता भी सेफ रह सकें।
दोस्तों अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर आप इस वीडियो को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।